बीड़ा बजाते हुए आज बाबा नारद का पधारपण हुआ है। अरे महात्मा से कंस बहु चलता था, लेकिन बड़े आदर के साथ बिठा लिया। आइए गुरुदेव, बेटा कंस। कहिए महाराज, हमने ये सुना था कि देवकी से होने वाली संतान तुम्हारा काल है। हाँ है? सुना का था महाराज, सच की बात है। मैं बहन देवकी को विदा कर रहा था जी, अचानक आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? बोला, हे कंस, तू इस बहन देवकी को खुशी के साथ विदा कर रहा है, इसका आठवां पुत्र तेरा काल होगा। महाराज, मैंने जैसे ही सुना उसी समय मैं देवकी को मारना चाहा। मैंने सोचा कि नहीं होगा वृक्ष और ना ही फल आएंगे, पहले वृक्ष की जड़ काट दूं। पर बसदेव जी बीच में आ गए। बसदेव जी ने कहा, महाराज ऐसा करो, आपका आठवां पुत्र काल है तो हमारे लिए बंदी कर लो, और जो भी संतान होगी हम तुम्हारे पास लाएंगे। मैंने उनको कारागृह जेल में डाल दिया, प्रथम बच्चे को जन्म दिया जी। हमारे पास आए, मैंने सोचा कि ये तो प्रथम बच्चा है, मेरा काल तो आठवां है जी। मैंने वापस कर दिया। यही तुमने बहुत बड़ी भूल करी बेटा। क्यों गुरुवर? आज नारद जी ने जमीन पर आठ लकीरों को खींचा, कहा इधर से गिनना बेटा। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। इस साइड वाली आठ बोली। उधर से गिनना बेटा। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, और ये आठ। ये तो प्रथम आ रही है, लास्ट में भी आ रही है आठवीं। कौन सा काल है तुम्हारा, जान सकते हो? अनर्थ होगा। नहीं, वसुदेव को दरबार में पेश किया जाए। हे मेरे सेन को, वसुदेव को दरबार में लेकर के आओ। अरे मेरे काल ने जन्म ले लिया है, छोड़ मैं नहीं। लाओ वसुदेव, इस बच्चे को हमें दो। भैया ये मासूम है, तुमको नहीं मार पाएगा भैया। कोई बात नहीं, अभी नहीं मारेगा, आगे चल के मारेगा। भैया तुम मेरी बात मानो, देवकी रो रो करके मर जाएगी। भैया इसे मत मारो, तुम्हारा पुत्र सिर्फ आठवां ही काल है भैया। नहीं, इसको अब नहीं छोड़ूंगा। अगर गुरुजी मेरे पास नहीं आते तो ये मुझसे बच जाता और अनर्थ हो जाता। इसको नहीं छोड़ूंगा। आज उस कंस ने उस मासूम को ऐसा जमीन पर पटका कि उसकी चिथड़े बिखर गए। एक नहीं, उस कंस ने किसके देवकी के। वसुदेव जी, जो भी बच्चा हो मेरे हवाले कर दो और जाओ, कारागृह में बंद हो जाओ, ले जाओ इसके लिए। अरे धीरे धीरे नीचे नीचे तजा के बारे